नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे ही होंगे। पिछली कक्षा में हम 7वीं कक्षा की संस्कृत का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सुभाषितम। इसका अभ्यास कर रहे थे हम। 4 प्रश्न कर चुके हैं, आज हम 5वां प्रश्न करेंगे। देखते हैं। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। बच्चों, मैं पहले आपको ये मौखिक रूप से कराऊंगा, वीडियो के अंत में आप इसके उत्तर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 5वां प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो कै भाग देखो इसका। कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कहाँ पर कुत्र का अर्थ होता, कहाँ पर विस्मय आश्चर्य या संकोच न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था दाने, तपसे, शौर्य, विज्ञाने, विनय च विस्मय न कर्तव्य। दूसरा है पृथिव्यां त्रीणी रत्नानि कानि, कि पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं, हमने पढ़ा था। तो इसका उत्तर होगा पृथिव्यां त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक है, आगे देखो। त्यक्त लज्जह कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त माने छोड़ देता है, लज्जह संकोच, कहाँ पर सुखी होता है, वो कहाँ सुखी होता है, तो कहाँ पर संकोच छोड़ने से व्यक्ति सुखी होता है। तो इसका उत्तर है धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च त्यक्त लज्जह सुखी भवेत। ये 6ठा प्रश्न देखो इसका। मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। जो ये पेटिका दी हुई है, इसमें पद दिए हुए हैं, इनको चुन करके आपने लिंग के अनुसार, पुल्लिंग के पुल्लिंग में लिखने हैं, स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग के नीचे, और नपुंसकलिंग के शब्द आपने नपुंसकलिंग के नीचे लिखने हैं। 12 शब्द दिए हुए हैं, तो तीन तीन शब्द हैं इसमें। देख लो, पहले पुल्लिंग के देखते हैं क्या क्या है। पहले उठाओ सत्य, लिख दो नीचे। फिर सुखी, ये भी पुल्लिंग में जाएगा। उसके बाद रवि, ये भी पुल्लिंग के नीचे लिख दो। ये हो गए 3 पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग के देखो, अब वसुंधरा पृथ्वी, ये पुल्लिंग के नीचे लिख दो। उसके बाद लिखो आप वहनी, सॉरी ये शब्द आपने स्त्रीलिंग के नीचे लिखना है, वहनी। ठीक है, उसके बाद लिखो पृथ्वी स्त्रीलिंग के नीचे। अब ये 3 बच गए, रत्नानी नपुंसकलिंग शब्द है। उसके बाद है अन्नम, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। और लास्ट वाला है संगीतम, ये आपने नपुंसकलिंग के नीचे लिखना है। ठीक है बच्चों, 7वां देखो। अधोलिखित पदेशु धातु है के संति। जो नीचे दी गई धातु हैं, धातु के जो पद हैं, उस उन धातुओं के पद में कौन कौन सी धातु है, मूल धातु कौन कौन सी है वे लिखने हैं। तो पद दिया है उन्होंने करोति, तो धातु है इसमें क्री धातु है। क्री धातु का एक करोति शब्द है लट लकार प्रथम पुरुष का। ठीक है, दूसरा है पश्य, इसमें दृश धातु है, इसका अर्थ होता देखना। ठीक, तीसरा है भवेत, तीसरा पद भवेत है, इसमें है भू धातु। और अंतिम है तिष्ठति, इसमें धातु है स्था, इसका अर्थ होता है ठहरना। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा चेंजिंग है, करोति की जगह आप कर्तव्य लिखो, थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ आपका, करोति की जगह कर्तव्य लिखो आप। ठीक है, और लास्ट में है तिष्ठति, इसकी जगह आप स्थित लिखो, और जो धातु पद है वे आपकी सेम रहेंगे जो बताए हैं। और उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, पॉज करके देख लेना और अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।